जैसी करनी वैसी भरनी, ये तो हमने कई बार सुना है, लेकिन यहां का पाप यहीं भरोगे, जो किया है उसे इसी जीवन में आप पाओगे, फिर फल अगर मीठा चाहे तो आपको मीठे कर्म करने होंगे। एक कहानी, राजा पृथु एक दिन सुबह सुबह घोड़ों के तबेले में जा पहुंचे, तभी वहां एक साधु भिक्षा मांगने आ पहुंचा। सुबह सुबह साधु को भिक्षा मांगते देख पृथु क्रोध से भर उठे। उन्होंने साधु की निंदा करते हुए कहा, बिना विचारे तबेले से घोड़े की लीद उठाई और उसके पात्र में डाल दी। साधु भी शांत स्वभाव का था, सो भिक्षा ले वहां से चला गया और वह लीद कुटिया के बाहर एक कोने में डाल दी। कुछ समय उपरांत राजा पृथु शिकार के लिए गए। पृथु ने जंगल में देखा कि एक कुटिया के बाहर घोड़े की लीद का बड़ा सा ढेर लगा हुआ है। उन्होंने देखा कि वहां तो ना कोई तबेला है और ना ही दूर दूर तक कोई घोड़ा दिखाई दे रहा है। वह आश्चर्यचकित हो कुटिया में गए और साधु से बोले, महाराज आप हमें एक बात बताइए, यहां कोई घोड़ा भी नहीं ना ही तबेला है, तो यह इतनी सारे घोड़े की लीद कहां से आई? साधु ने कहा, राजन यह लीद मुझे एक राजा ने भिक्षा में दी है, अब समय आने पर यह लीद उसी को खानी पड़ेगी। यह सुनकर राजा पृथु को पूरा घटने की याद आ गई। वे साधु के पैरों में गिर क्षमा मांगने लगे। उन्होंने साधु से प्रश्न किया, हमने तो थोड़ी सी लीद दी थी पर यहां तो बहुत अधिक हो गई। साधु ने कहा, हम किसी को भी देते हैं, वह दिन प्रतिदिन प्रफुल्लित होता है और होता जाता है और समय आने पर हमारे पास लौटकर आ जाता है, यह उसी का परिणाम है। यह सुनकर पृथु की आंखों में अश्रु भर आए। वे साधु से विनती कर बोले, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, कृपया कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मैं अपनी दृष्टि, कर्म और अपने प्रायश्चित का पूरा पूरा भरपाई कर पाऊं। राजा का ऐसा दुखमयी हालत देखकर साधु थोड़े से पसीज गए और कहा, राजन एक उपाय है, आपको कोई ऐसा कार्य करना होगा जो देखने में तो गलत हो पर वास्तव में गलत ना हो। जब लोग आपको गलत देखेंगे तो आपकी निंदा करेंगे, जितने ज्यादा लोग आपकी निंदा करेंगे आपका पाप उतना हल्का होता जाएगा, आपका अपराध निंदा करने वालों के हिस्से में आ जाएगा। यह सुनकर राजा पृथु ने महल में आकर काफी सोच विचार किया और अगले दिन सुबह से शराब की बोतल लेकर चौराहे पर बैठ गया। सुबह सुबह राजा को इस हाल में देखकर सब लोग आपस में राजा की निंदा करने लगे, कैसा राजा है, कितना निंदनीय कृत्य कर रहा है, क्या यह शोभनीय है, इत्यादि इत्यादि। निंदा की परवाह किए बिना राजा पूरे दिन शराबियों की तरह अभिनय करता रहा। इस पूरे कृत्य के पश्चात जब राजा पृथु ने पुनः साधु के पास पहुंचकर लीद के ढेर के स्थान पर एक मुट्ठी लीद देखी, आश्चर्य से बोला, महाराज यह कैसे हुआ, इतना बड़ा ढेर कहां गायब हो गया? साधु ने कहा, यह आपकी अनुचित निंदा के कारण हुआ है राजन, जिन जिन लोगों ने आपकी अनुचित निंदा की है आपका पाप उन सब में बराबर बट गया। फिर राजा बोले, महाराज फिर ये मुट्ठी भर बचा क्यों, ये क्यों नहीं बटा? तो फिर ऋषि बोले, राजन यह तुम्हारा कर्म है, जितना तुमने मेरे भिक्षा पात्र में मेरे खाने के लिए दिए थे उतना तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा। कोई कितना भी उपाय दान पुण्य कर ले उसका कर्म दोष कट तो जाएगा पर उसका मूल नष्ट नहीं होगा, उतना तो भरना ही पड़ेगा। जब हम किसी की बेवजह निंदा करते हैं तो हमें उसके पाप का बोझ भी उठाना पड़ता है,
तथा हमें अपने किए गए कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। अब चाहे हंसकर भुगते या रोकर, हम जैसे देंगे वैसे ही लौटकर वापस पाएंगे।